हाय फ्रेंड, रैनी वी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड आज मैं जा रही हूँ बनाने चाउमीन। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं चाउमीन। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने नूडल्स रख दिए हैं उबलने के लिए और बस ये उबलने ही वाले हैं, तो हम अपना चाउमीन बनाना स्टार्ट करेंगे। शिमला मिर्च, हरी मिर्च और पत्ता गोभी सब काट के रखा है ताकि हम चाउमीन बना सकें। चाउमीन बनाने उसके लिए फिर मैं अपने बनाऊंगी बाल का जूड़ा ताकि बिल्कुल भी बाल ना गिरे, क्योंकि बाल अक्सर तो खुला रहता है तो खाने में गिरने का डर रहता है। तो इसलिए मैंने जूड़ा बना लिया है, अब बिल्कुल रेडी हूँ मैं चाउमीन बनाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे नूडल्स बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं चाउमीन। देखिए मैंने ऑरी ऑयल डाल दिया है और डालेंगे प्याज, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे प्याज को। डालेंगे शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और पत्ता गोभी, डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अब से सॉफ्ट कर लेंगे थोड़ा सा। अब डालेंगे अपने नूडल्स, डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, विनेगर, इन सबको डाल के हम अच्छे से नूडल्स को चला लेंगे। अब धनिया की पत्ती से इसे गार्निश करेंगे। अब चला के प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया है, इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इस तरीके से हम इसे सजा देंगे। तो ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है जितना ही देखने में टेस्टी है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी हमारी रेसिपी। तो फ्रेंड इस समय घर में दीपावली की सफाई चल रही है, तो आज मैंने सारे पर्दे धोए हैं और अपने गद्दी की खोड़ियाँ भी धोई हैं। तो खोड़ी चढ़ाने का मैं आपको एक तरीका बताऊँगी, बहुत जल्दी बहुत फास्ट चढ़ता है उससे। तो चलिए फ्रेंड मैं बताती हूँ कैसे खोड़ी आपको चढ़ानी है गद्दी पर। देखिए ये खोली है और खोली ये देखिए उल्टा है, ये खोली और इसे हमें सीधा नहीं करना है, बस इसके अंदर हमें हाथ डालना है और सबसे आखिरी का जो कोना होता है उसे हम पकड़ लेंगे इस तरीके से अंदर हाथ डाल के, और दूसरे साइड का भी हम वैसे ही करेंगे। इधर से भी हम हाथ डाल के दोनों कोने पकड़ लेंगे और अपने गद्दे के दोनों किनारों को हम पकड़ेंगे इस तरीके से। एक कोना इसमें डाला, इस तरीके से अंदर गया, अब दूसरे कोने को भी हम गद्दे के दूसरे कोने में डालेंगे। देखिए हमारी खोली भी सीधी हो गई और हमारा हमारे गद्दे पे खोली भी चढ़ गई। तो इतना आसान है ना, अब इसे बस नीचे की तरफ खींच लेंगे और हमारे गद्दे पे कवर चढ़ जाएगा। तो बस ऐसे ही आपको भी करना है, तो जल्दी जल्दी फटाफट चढ़ा लेते हैं। तो देखिए कितने आसानी से चढ़ गया और पता भी नहीं चला। इसी तरीके से आपको भी चढ़ा लेना है खोली, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान तरीका है ये फ्रेंड, एक बार ज़रूर घर में आजमाइएगा। ऐसे ही हम दूसरे गद्दे पर भी खोली चढ़ा लेंगे, जैसे मैंने बताया है बस उल्टा ही रखना है हमें अपने खोली को और उसमें हाथ डाल के बस लास्ट का कॉर्नर पकड़ना है और दोनों तरफ का पकड़ के दोनों गद्दे पर डाल देना है पकड़ के कॉर्नर को। ये देखिए कितना अच्छा चढ़ गया है, बस मुश्किल से 5 मिनट का काम है ये। तो चलिए मैं अब चादर बिछा लेती हूँ। तो ये देखिए चादर भी बिछ गई है मेरी। तो अब तो मैं अपने बच्चे को जा रही हूँ बुला के सुलाने। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज़ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।